दोस्तों आप पता है मैंने दुनिया का सबसे छोटा वाला ट्रक भी खरीद लिया है। ये रहा टर्बो रेसिंग C50 ट्रक। एक बार इसका साइज देखो कितना ज्यादा छोटा है। इसको हम लोग माइक्रो लेवल RC ट्रक भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग कंप्लीटली रिमोट से भी चला सकते हैं। और इसके साथ इसका ट्रेलर भी मैंने खरीद लिया है, वो ट्रेलर है इसके अंदर। ये ट्रेलर भी बहुत छोटे साइज का, ये भी दुनिया का सबसे छोटा ट्रेलर है ये ट्रक के पीछे अटैच करने के लिए। तो आज की वीडियो में कम्प्लीटली इसको अनबॉक्स करके मैं आपको टेस्ट करके बताने वाला हूँ, और ये भी बताऊंगा कि मैंने इसको कहाँ से खरीदा है, और साथ में कंपैरिजन दूसरे ट्रक्स के साथ भी मैं करने वाला हूँ। तो चलो गाइस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो ये रहा दुनिया की सबसे छोटी RC ट्रक का बॉक्स। ये 1:76 स्केल मॉडल पे बनाया गया, यानी कि बहुत ही माइक्रो लेवल पे इसको डिजाइन किया गया है। कंप्लीटली RTR है। अब इसको एक बार चार्ज करोगे तो तकरीबन ये 40 मिनट्स तक बहुत आराम से चल जाता है, क्योंकि इसके अंदर 150 mAh की बैटरी दी गई है और साथ में Type-C चार्जिंग पोर्ट भी लगाया गया है। ये ट्रक दो अलग-अलग कलर से मिलता है, ब्लैक एंड व्हाइट। चीज मैं आपको दिखा देता हूं, सॉरी दो चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूं। जैसे कि आपको पता होगा मेरे पास ऑलरेडी टर्बो रेसिंग की दुनिया की सबसे ज्यादा छोटी मसल कार भी है और दुनिया की सबसे ज्यादा छोटी मॉन्स्टर पुलिस कार भी है। ये दोनों के अंदर बहुत सारे कूल फीचर्स दिए गए हैं और ये दोनों भी रिमोट से चल सकते हैं। आज इनका कंपैरिजन भी करेंगे दुनिया की सबसे ज्यादा छोटी ट्रक के साथ। बॉक्स को मैं यहां से ओपन कर लेता हूं। आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस को भी जरूर से ऑन कर देना। सबसे ऊपर मेरे को मिला है इसका यूजर गाइड, ट्रक को किस तरीके से चलाना है और इसको किस तरीके से चार्ज करना है, किस तरीके से इसका ट्रेलर अटैच करना है, सारी इंफॉर्मेशन ये बुकलेट के अंदर दी गई है। और यहां पे ये पता नहीं यार क्या है। अच्छा तो ये इसका वारंटी कार्ड है, इसको भी रखते हैं साइड में। अब इसको मैं यहां से निकालने वाला हूं। सबसे पहले तो इसका मैं रिमोट आपको दिखाने वाला हूं। इतनी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी वाला रिमोट मैं पहली बार देख रहा हूं। मेरे पास 1-1 लाख 1.5-1.5 लाख की भी RC ट्रक्स है, RC कार्स है, पर उनके अंदर भी मैंने इतना कमाल का रिमोट अभी तक नहीं देखा है। बटन्स दिए गए, बहुत सारे नॉब्स है, ऊपर की तरफ ट्रिगर्स है, यहाँ पे टर्बो रेसिंग की ब्रांडिंग दी गई है। ट्रिगर्स बहुत ज्यादा स्मूथली है, यहाँ पे भी बहुत सारे बटन्स है, यहाँ पे इसका ऑन ऑफ स्विच है। इसके साथ ये एक Type-C चार्जर दिया गया है ट्रक को चार्ज करने के लिए। अब दिखाने वाला हूं मैं आपको दुनिया का सबसे छोटा RC ट्रक। ये रहा गाइस, ये बॉक्स के अंदर सिर्फ ट्रक दिया गया है। दूसरा बॉक्स ओपन करूंगा तो उसके अंदर इसका पीछे अटैच करने वाला ट्रेलर भी मिल जाएगा। ये एक रियल ट्रक जैसा ही दिखाई दे रहा है मेरे को, तो यार ये एक टाटा ट्रक जैसा दिखाई दे रहा है। आजकल जो टाटा के मॉडर्न ट्रक्स आने लगे हैं बिल्कुल ये उसी तरीके का डिजाइन किया गया है। ऊपर की तरफ बहुत सारी लाइट्स है और एक इसकी सबसे खास चीज है गाइस, ये कंप्लीटली 4-व्हील ड्राइव है। 2-व्हील ड्राइव पे ही चल रही थी और ये कार भी सिर्फ 2-व्हील ड्राइव पे ही चलती है, पर इसके अंदर सामने भी मोटर है, पीछे भी मोटर है। देखो गाइस इतनी छोटी सी ट्रक के अंदर दो मोटर्स इन लोगों ने लगा रखी है। यहां से ट्रक को रिमोट से बाइंड करने के लिए एक छोटा सा पिन दिया गया है, यहां पे इसका ऑन ऑफ स्विच है और ये इसका Type-C चार्जिंग पोर्ट है। अब इसको रखते हैं साइड में। अब इसके ट्रेलर को मैं निकालने वाला हूं गाइस। इसको तो देखने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि यार मैंने आज से पहले इतना कमाल का ट्रेलर और इतना कमाल का ट्रक बिल्कुल भी नहीं देखा है। ये ट्रेलर दो अलग अलग ऑप्शन में मिलता है, एक डायनामिक वर्जन है, एक स्टैटिक वर्जन है। मैंने खास तौर पे डायनामिक वर्जन खरीदा है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे यूनिक फीचर्स दिए गए। अब इसको भी निकाल लेते हैं बाहर। अच्छा इसके पीछे देखो यार कितने ढेर सारे टायर्स दिए गए। यहाँ पे एक चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है, यहाँ से इसको ऑन करने का ऑन ऑफ स्विच भी दिया गया है, यहाँ से आप इसको ट्रक के साथ डायरेक्टली बाइंड कर सकते हो, क्योंकि पीछे की तरफ इसके अंदर भी बहुत सारी सिमुलेशन लाइट्स दी गई है। तो फटाफट से अब इसका ऊपर का जो कैबिन है वो मैं निकाल के दिखा देता हूँ, फिर इसको फटाफट से जोड़ेंगे, क्योंकि ये कम्प्लीटली अनअसेंबल आता है तो इसको जोड़ना पड़ता है हम लोगों को सेपरेटली। ये शायद यहाँ से ओपन हो जाएगा। ये देखते हैं कौन से कलर में मेरे को मिला है। अच्छा तो ये लोगों ने देखो यार इसके ऊपर का ट्रेलर या फिर आप कैबिन भी बोल सकते हो, इसको बनाने के लिए दो अलग अलग मॉडल्स दिए गए। ये व्हाइट वाला मॉडल है और ये ब्लैक वाला मॉडल है। मैं शायद गाइस ये ब्लैक वाले मॉडल को अभी बिल्ड करूंगा, उसके बाद ट्रक के ऊपर इसको फिट करते हैं। इसको जोड़ना मेरे लिए बहुत ज्यादा ईजी लग रहा है यार, क्योंकि देखो बहुत ही कम पार्ट्स दिए गए इसको बनाने के लिए। फटाफट तरीके से ये सारे पार्ट्स मैंने यहाँ से निकाल लिए। दोनों कंटेनर्स को मैंने बिल्ड कर दिया है, ये व्हाइट वाला है और ये ब्लैक वाला है। यहाँ पे इसके अंदर एक चीज देखो यार, यहाँ पे डोर्स भी दिए गए हैं इसको ओपन और क्लोज करने के लिए। इसके अंदर आप कुछ भी गुड्स वगैरह लोड करके इसके ऊपर रख के चला भी सकते हो। तो आप एक काम करने वाले हम लोग, ये कंटेनर को मैं इसके ऊपर रखूंगा। अब यहाँ पे इसको जोड़ना पड़ेगा मेरे को, इसको जोड़ना भी काफी ज्यादा ईजी है। ट्रेलर के ऊपर कंटेनर को मैंने फिट कर दिया है। अब ये इसके अंदर जाकर यहाँ पर इस तरीके से
फिक्स हो जाएगा। आप देखो गाइस लग रहा है ना एक प्रॉपर तरीके से ट्रक। तो चलो गाइस अभी इसको चला के बताने वाला हूँ और इसके अंदर क्या क्या मेन फीचर्स है उसको पहले टेस्ट करते हैं। ओके दोस्तों, ये वर्ल्ड स्मॉलेस्ट आरसी ट्रक को चलाने से पहले एक बार इसका साइज कंपैरिजन मैं आपको करके बता देता हूँ। इसके साइड में मैंने टाटा के ट्रक को रख दिया है। टाटा का ट्रक इतना ज्यादा बड़ा है कि भाई क्या ही बताऊं। ये वर्ल्ड स्मॉलेस्ट आरसी ट्रक तो टाटा ट्रक के टायर जितना छोटा मेरे को लग रहा है। ये रहा छोटी सी ट्रक का बड़ा वाला रिमोट। अब इसके कुछ कूल फीचर्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये नॉब घुमाने पे पीछे का जो ट्रेलर है इसको हम लोग यहाँ से ऑटोमेटिक तरीके से अलग कर सकते हैं। ट्रेलर ऊपर उठ गया था, ट्रक सामने की तरफ आ चुका है। वापस से मैं इसको जोड़ के भी बता देता हूँ। अब वापस से मैं नॉब को दूसरी तरफ घुमाऊंगा तो ट्रेलर वापस से ट्रक के ऊपर चिपक जाएगा। चलो एक बार इसको चला के बता देता हूँ। ये कूल फीचर तो यार मैंने रियल वाले ट्रक के अंदर देखा था। चलने में भाई एक नंबर है। देखो इस ट्रक इतना ज्यादा लंबा है फिर भी ये बहुत इजीली टर्न हो जाता है छोटे से छोटे एरिया में भी। ये ट्रक के अंदर सिमुलेशन लाइट्स भी दिए गए, तो लाइट्स ऑन करके मैं आपको बताने वाला हूँ। ये इसकी हेडलाइट्स है। हेडलाइट्स के बाद में देखो इसकी डीआरएल्स काम करती है। ऊपर की तरफ एलईडी बार है, अंदर कैबिन के भी लाइट्स दी गई है, नीचे फॉग लैंप्स है और हैजार्ड लाइट भी आप इसकी ऑन ऑफ कर सकते हो। अब नाइट में भी थोड़ा दिखा देता हूँ। ये इसकी हेडलाइट है। सेम बटन प्रेस करेंगे तो हाई बीम लैंप भी ऑन हो जाती है। अब डीआरएल्स ऑन हो चुकी है। अब ऊपर की एलईडी बार को ऑन करते हैं। ग्रीन कलर की लाइट भी ऑन हो चुकी है। कैबिन के अंदर ब्लू कलर की लाइट दी गई है और इसकी बॉडी के नीचे भी बहुत सारी लाइट्स दी गई है। पीछे की तरफ भी यहाँ पे हैजार्ड लाइट्स दी गई है, साथ में ये इंडिकेटर की तरह भी वर्क करते हैं। एक और चीज बताता हूँ, इसके कंटेनर के पीछे भी बहुत सारी लाइट्स दी गई है। यहाँ से आप इसका हॉर्न भी बजा सकते हो। बिल्कुल रियल ट्रक में जैसा हॉर्न होता है वैसा ही ये हॉर्न भी बज रहा है। भाई मजा आ गया। ये इसका इंडिकेटर वाला स्विच है। अगर मैं इसको नीचे करूंगा तो ट्रक के अंदर लेफ्ट साइड वाला इंडिकेटर काम करेगा। अगर मैं स्विच को ऊपर करूंगा तो इसका राइट साइड वाला इंडिकेटर इस तरीके से काम करता है। तो एक बार इसको चला के दिखाता हूँ कि ये ट्रक चलाने में कितना ज्यादा इजी है। यहाँ से मैंने इसको टर्न करा दिया है। हर एक बटन सेपरेटली दिया गया है और इसके जॉयस्टिक्स भी बहुत ज्यादा स्मूथ है। इस वजह से ट्रक को चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। मेरे पास ये दुनिया की सबसे ज्यादा छोटी डॉट चार्जर आरसी कार भी है। इसको चला के हम लोग लोड करने वाले हैं वर्ल्ड स्मॉलेस्ट आरसी ट्रक के अंदर। ये कार इतनी ज्यादा छोटी है कि ये ट्रक के अंदर भी आराम से लोड हो चुकी है। अब ये ट्रक को मैं लोड करने वाला हूँ अपने बड़े से टाटा ट्रक के अंदर। ये ट्रक लोड हो चुका है टाटा ट्रक के अंदर। अब इसको बंद कर देते हैं। अब ये टाटा ट्रक को मैं लोड करने वाला हूँ दुनिया की सबसे बड़ी वाली ट्रक के अंदर। ये रही गाइस ट्रैक्सस अल्टीमेट हॉलर ट्रक। ये ट्रक इतनी बड़ी है कि टाटा ट्रक को भी अपने ऊपर बिठा के लेके जा सकती है। एक के अंदर एक सबको मैंने रख दिया है। अब देखो हमारा ट्रैक्सस का ट्रक भी यहाँ पे चलने लगा है। मजा आ गया गाइस। ओ भाई साहब, मेरे पास एक बहुत बड़ा कंटेनर है दूसरे ट्रक का। देखते हैं गाइस ये कंटेनर इसके ऊपर फिट हो पाएगा या फिर नहीं। काफी आराम से फिट हो गया यार। मेरे को लगा था कि ये छोटा सा ट्रक इतने बड़े कंटेनर को नहीं खींच पाएगा, पर ये ट्रक इतना ज्यादा पावरफुल है कि भाई इतने बड़े ट्रेलर को भी ये लेके जा रहा है। यकीन नहीं हो रहा गाइस मेरे को तो। अब ये ट्रक की स्पीड टेस्ट मैं करने वाला हूँ। देखते हैं क्या है दुनिया की सबसे छोटी आरसी कार को रेस में हरा पाएगी या फिर नहीं। ऑलमोस्ट ये इसके बराबर में आ चुकी है। इसके अंदर लो स्पीड, मीडियम स्पीड, हाई स्पीड मिलता है। अब मैंने ट्रक को हाई स्पीड में डाल दिया है। हाई स्पीड में डालने के बाद इसकी स्पीड काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। इसने डॉट चार्जर को काफी आराम से ओवरटेक कर दिया है। डॉट चार्जर अब इसको ओवरटेक करने ही वाली थी, पर उतने में ही यहाँ पे रेस खत्म हो चुकी है और ये वर्ल्ड स्मॉलेस्ट आरसी ट्रक रेस को जीत चुकी है गाइस। अब देखते हैं क्या ये छोटी सी ट्रक इतनी बड़ी ट्रांसपोर्टर ट्रक को रेस में हरा पाएगी या फिर नहीं। रेस इन दोनों के बीच में स्टार्ट हो चुकी है। ट्रांसपोर्टर ट्रक की स्पीड थोड़ी सी ज्यादा मेरे को लग रही है, पर अब मैंने छोटी सी ट्रक के अंदर हाई स्पीड लगा दिया है। हाई स्पीड लगाने के बाद इसकी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ पे दोनों के बीच में टक्कर भी हो चुकी थी, दोनों को मैंने फटाफट तरीके से टर्न करा लिया है। अब यहाँ पे देखोगे ये छोटी सी ट्रक की स्पीड धीरे धीरे करके बढ़ने लगी है। अब ये छोटी सी ट्रक की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। दोनों के बीच में डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इसने तो यार ये इतनी बड़ी ट्रक को भी में हरा दिया है पूरी तरीके से। मेरे पास एक और बहुत बड़ा लोडिंग ट्रक है। इसके ऊपर बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग मशीनरी को ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसके साथ इसकी मैं रेस कराने वाला हूँ, देखते हैं कौन जीतता है। ये लोडिंग ट्रक तो काफी ज्यादा फास्ट मेरे को लग रहा है यार। इसने तो वर्ल्ड स्मॉलेस्ट आरसी कार को बहुत ज्यादा डिस्टेंस है रेस में हरा दिया है। मेरे को लगा था कि गाइस ये वापस से जीत जाएगी, पर ये लोडिंग ट्रक तो इससे ज्यादा फास्ट निकला।
ये लोडर ट्रक कितना ज्यादा पावरफुल है एक बार मैं आपको टेस्ट करके बताने वाला हूँ। इसके सामने मैंने मिनी डिफेंडर को रख दिया था, टक्कर होने के बाद एक बार इसने मिनी डिफेंडर को ही उठा के पटक दिया है। दूसरी तरफ मिनी डिफेंडर इसके सामने बहुत इजीली हार चुकी है। अब ये इसके बराबर वाले ट्रक के साथ फाइट कराते हैं, देखते हैं दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। टक्कर लगते ही मेरे को लगा कि दोनों टूट जाएंगे यार। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टर ट्रक ने धीरे धीरे करके पीछे ढकेलना चालू कर दिया है लोडिंग ट्रक को। लोडिंग ट्रक यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहा है इसको रोकने के लिए। माय गॉड, दोनों के बीच में एकदम खतरनाक वाला एक्सीडेंट हो चुका है और ट्रांसपोर्टर ट्रक पूरी तरीके से नीचे गिर चुका है। वापस से यहाँ पे लोडर ट्रक जीत चुका है पुशबैक में। तो माय डियर दोस्तों, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये दुनिया की सबसे छोटी ट्रक कैसी लगी। वैसे मेरे को तो यार बहुत ही ज्यादा कमाल की लगी, इतने ज्यादा कूल फीचर्स मैंने आज तक कोई भी ट्रक या फिर कोई भी कार के अंदर नहीं देखे। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके गाइस, आज मैं देने वाला हूँ 10 लोगों को शाउट आउट। पहला नाम है रचित, चेतन, पार्थ, फजील, देवशीष, जतीन, हुसैन, विद्युत, अभिनय, रोनित। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।